हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ऑल माई सब्सक्राइबर्स, माई फ्रेंड्स, एवरी वन. आपकी दिवाली शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत सारी खुशियाँ लक्ष्मी जी आपके घर लेके आए, और साथ के साथ मेरे वीडियोस आप देखते रहें इसी तरीके से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिवाली स्पेशल बर्फी की रेसिपी. उसके लिए यहाँ पे लिया है मैंने सूजी, बारीक वाली सूजी ही लीजिएगा. और उसके साथ मैंने यहाँ पे ले लिया है वर्मिसली जवे. ये घर के टूटे हुए जवे हैं, बारीक वाले जवे हैं. आप चाहें तो बाज़ार से भी जो रोस्टेड जवे आते हैं, भुने हुए जवे आते हैं, वो भी ले सकते हैं. तो वो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप क्या कैसे लेना चाहते हैं. अब मैंने ये दोनों ही सेम क्वांटिटी में ले लिया, एक कटोरी सूजी है और एक कटोरी ही जवे हैं. अब यहाँ पे ले लिया मैंने एक कढ़ाई, उसमें डाल दिया बहुत थोड़ा सा घी, हाफ टी स्पून ही देसी घी होगा. और इसे इस टाइप से मैं फैला लूँगी, इससे क्या होता है जो भी चीज़ आप भूनने वाले हैं वो कभी भी ना लगेगी नहीं कढ़ाई में, और कम घी में आप ईजिली कोई चीज़ रोस्ट कर पाएंगे. अब आप सोच रहे होंगे मैंने उसी स्पून से क्यों इसको भूनना स्टार्ट कर दिया, मैंने कोई बड़ा स्पून क्यों नहीं लिया. भाई उस पर घी लगा हुआ था तो मैंने सोचा वो घी भी क्यों ना यूज़ किया जाए, तो मैं चेंज कर लूँगी, डोंट वरी. तो यहाँ पे ये रोस्ट होते रहेंगे, सिम गैस पे कीजिएगा, चलाते हुए कीजिएगा, गोल्डन ब्राउन होने तक कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. और एक साइड मैं क्या करूँगी, यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए रख देती हूँ. उसके लिए लिया है मैंने दो कटोरी देसी खांड, और देसी खांड मैंने ली है, आप यहाँ पे शुगर भी ले सकते हैं, दो कटोरी शुगर ले लीजिएगा. उसके साथ यहाँ पे ऐड करूँगी तीन कटोरी वाटर. तो जो भी मैं मेजरमेंट बता रही हूँ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, मतलब बर्फी एकदम परफेक्ट बनेगी. आप चाहें तो यहाँ पे गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ खांड और हाफ गुड़ भी ले सकते हैं, तब भी बहुत बढ़िया बन के आएगी आपकी चाशनी. तो इसे मैं एक साइड बॉयल होने रख दूंगी, मतलब सिम गैस पे हाई फ्लेम, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा. और ये देखिए इस साइड हमारे जो जवे हैं वो भी अच्छे से कुक हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए. तो आपको इन्हें बहुत अच्छे से रोस्ट करना है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. और ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ कितना बढ़िया कलर आया है इनका, और आपको इस स्टेज तक ही इनको भूनना है कि इनका बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए. तो इन्हें अब मैं एक साइड प्लेट में निकाल लूँगी, ठंडा होने के लिए रख दूंगी एक साइड. अब इसी सेम कढ़ाई में मैं थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी और उसमें रोस्ट करूँगी जो हमने सूजी ली है. मैंने यहाँ पे घी ऐड करने के बाद जब मैं रोस्ट करा सूजी को, तब मैंने सोचा कि मुझे घी इस स्टेज पे ऐड नहीं करना चाहिए था. तो आप इस स्टेज पे घी स्किप कर सकते हो 110%, ये मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ. जो सूजी है बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगी, घी की नीड नहीं पड़ती है. और अगर आप घी डाल के उसे रोस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, वरना लम्स पड़ जाते हैं. तो चलाते हुए इसे आप मिक्स कीजिएगा, और इस टाइप से करते हुए मैं इसे भी बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करूँगी. तो चलाते हुए ही कीजिएगा, क्योंकि जो सूजी है बहुत जल्दी लग जाती है, और मैं ये प्रोसेस सिम गैस पे कर रही हूँ, और बीच में मैंने जो गैस है उसे ऑफ भी कर दिया था. अब ये तो सूजी हमारी भुन रही है, आप वीडियो देख रहे हैं आपको लगता है फटफट सारी चीज़ें बन जाती हैं, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी क्या. ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है सूजी के ऊपर, और यहाँ पे हमारी सूजी अच्छे से रोस्ट हो गई, हमारी गैस मैंने ऑफ की हुई है. और ये देखिए इतना खलारा फैल जाता है जब हम कोई चीज़ रोस्ट कर रहे होते हैं, और ख़ास करके ये सूजी. और जो आपको दिखता है वो ये दिखता है, हाथ के हाथ हम उसकी क्लीनिंग कर देते हैं. तो ये जस्ट एक फ़न के लिए मैंने दिखा दिया था, ऐसा कुछ पर्पस नहीं था. तो यहाँ पे ये सूजी भी मेरी अच्छे से रोस्ट हो गई इस स्टेज तक. जब आपकी सूजी रोस्ट हो जाएगी तब आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लीजिएगा. ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के कुछ भी ऐड कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे बादाम को कट करके और किशमिश ऐड की है, आप यहाँ पे काजू भी ऐड कर सकते हैं. आप ये दोनों चीज़ें अलग से फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसे सूजी के साथ ही ऐड कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, मतलब सॉरी रोस्ट कर रही हूँ. तो ये रोस्ट हो जाएगी सूजी के साथ ही, जब सूजी आपका 80% हो जाए तब आप ये ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा. और यहाँ पे मेरी ये जो सूजी है बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई है, ड्राई फ्रूट्स भी हल्के से कुक हो गए हैं. मैंने इसमें जो जवे भून के रखे थे वो ऐड कर दिए हैं. जवे मैंने इस प्लेट में इस वजह से ही निकाले थे, जो भी थोड़ा बहुत घी है जवों के ऊपर वो इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा, और इस सेम प्लेट पर ही मैं बर्फी को जमा लूँगी, मतलब सेट कर लूँगी. तो ये घी ऑलरेडी लगा हुआ है इसके ऊपर, मुझे और लगाने की नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको लगता है कम है तो आप और भी लगा सकते हैं. अब आपको एक मिनट तक लगातार जवे हैं और जो सूजी है उसे मिक्स करना है. ये प्रोसेस आप ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा. अच्छे से चला के ये जब तक घुल मिल ना जाए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से इनकी दोस्ती ना हो जाए, तब तक आपको इन्हें मिक्स करना है, ध्यान रखिएगा. और गैस अगर आप चाहें, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो आप ऑफ भी कर सकते हैं, मैंने ये सिम गैस पे किया है प्रोसेस. तो इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी पूरे एक मिनट तक. तो ये हमारी रिमिक्स होती रहेंगी, आप जल्दी से जाइए, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए. तो यहाँ पे हमारी जो ये है घुल मिल गई है, इनकी दोस्ती अच्छे से हो गई है. इनकी दोस्ती करानी बहुत ज़रूरी है, वरना इनमें लम्स पड़ जाएंगे जब आप इसके अंदर शुगर सिरप ऐड करेंगे. तो यहाँ पे मैं चाशनी ऐड कर दूंगी. चाशनी ऐड करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करते हुए ही चाशनी को ऐड कीजिएगा. और मैंने चाशनी थोड़ा सा पतला ही रखा है, आपको कोई तार वार नहीं बनाना है चाशनी में. उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप
ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बना देंगे तो जो आपके जवे हैं वो सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे, जो सूजी है वो आपकी सॉफ्ट नहीं हो पाएगी। तो आपको थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है। और ये चलाते हुए, अब ये सिम गैस पे किया हुआ है मैंने और इसे अब मैं कवर कर दूंगी सिम गैस पे ही, तो एक दो मिनट के लिए ही करना होगा, लेकिन बीच में चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि कहीं वो ड्राई हो के कढ़ाई में चिपक ना जाए। तो ये हमारा अच्छे से ड्राई आउट हो गया, देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर, बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनती है, इंस्टेंट बर्फ़ी है। तो ये तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिए भाई, बेसन की बना ली, आटे की बना ली, तो कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए ना त्यौहार के दिन। इसे अब मैं प्लेट के ऊपर अच्छे से सेट कर दूंगी, उसी प्लेट पे कर रही हूँ जिस पे मैंने घी लगाया था, अच्छे से फैलाते से सेट कर लीजिएगा। और इसे मिनिमम 1 आवर के लिए तो ज़रूर आप इसे रखिएगा बाहर, सेट होने के लिए 1 घंटा लगता है इसको, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप 2 घंटे भी रख सकते हैं। तो ये हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी प्लेट पे, उसके बाद मैं इसे कट करके भी आपको दिखाऊंगी। देख रहे हैं कितनी बढ़िया लग रही है, जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना, खाने में भी उतनी ही बढ़िया बनी थी। तो मिलते हैं 1 घंटे बाद। और यहाँ पे देखिए हमारी जो बर्फ़ी है बहुत अच्छे से सेट हो गई है, बहुत ही सॉफ्ट बनी थी, मुंह में घुलने वाली बनी थी, लेकिन उसी जगह पे एकदम परफेक्ट बनी थी। भाई थोड़ा सा ना जो बर्फ़ी के पीसेस काटने में ना मेरा हाथ तंग है, तो मैं हमेशा छोटे बड़े कर देती हूँ जल्दबाजी में कि अरे वाह बर्फ़ी बन गई, सेट हो गई। तो इस चक्कर में लास्ट वीडियो में भी मैंने यही किया था और उस टाइम भी मैंने यही बोला था कि जल्दबाजी में मैंने, अब यहाँ पे देखिए पीसेस मैंने छोटे बड़े ही काटे हैं। और ये देखिए वाव, देख रहे हैं कितनी परफेक्ट बर्फी बन के तैयार हुई है, मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनी थी, रखने के बाद तो इसमें टेस्ट और ज़्यादा एनहेंस हो गया था। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे और अच्छी और न्यू रेसिपीज़ के साथ, साथ के साथ अपनी इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।